राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर रही है। यूएस फर्म ब्लैक स्काई ने इसकी सैटेलाइट इमेज जारी की है। ब्लैक स्काई का दावा है कि इन इमेज में चीनी सैनिकों के बंकर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हथियार और ईंधन के भंडारण के लिए बनाया गया है। ये बंकर 2021 और 22 के दौरान बनाए गए हैं। इनमें ईंधन और हथियारों को छिपाया गया है। इस जगह पर बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग झील के पास सिरजेप में चीनी सैनिकों का बेस है। यहाँ चीनी सैनिकों का मुख्यालय भी है। इस जगह पर भारत अपना दावा करता आया है। ये LAC से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। 5 मई 2020 को चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। उस वक्त ये पूरा इलाका खाली था। यहाँ न कोई गाड़ी थी और न ही कोई चौकी। चीनी सेना ने इसके बाद इलाके में धीरे धीरे अपनी गतिविधियां बढ़ाई। ब्लैक स्काई ने जो तस्वीरें ली है वह 30 मई 2024 की है। इसमें एक भूमिगत बंकर साफ दिखाई दे रहा है। इस बंकर में 5 दरवाजे हैं। बंकर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे हवाई हमले से कोई नुकसान न हो। ब्लैक स्काई के एक विशेषज्ञ ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि इस बेस में कई बख्तरबंद गाड़ियों को छिपाया जा सकता है। परीक्षण रेंज, ईंधन और गोला बारूद को इकट्ठा करने के लिए जगह भी है। चीनी सेना ने इस बंकर तक पहुंचने के लिए सड़कों पर खाइयों का नेटवर्क बनाया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।